नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मालूम है कि कुल्टी इलाके में पीने की पानी की जो कमी थी उसको देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुल्टी वाटर प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा था। जब ये कुल्टी वाटर प्रोजेक्ट का काम हो रहा था उस समय भी केंद्रीय सरकार के ECL के द्वारा बार बार इस काम में बाधा देने का प्रयास किया गया, फिर भी हम लोगों ने वो काम पूरा किया और अब लोगों को घर में पानी पहुँचाने का काम चल रहा है। ऐसे समय में भी ECL बार बार ECL के आवासों में जो लोग रहते हैं, जो लोग लीगल हैं इलीगल हैं हम लोग नहीं जानते, लेकिन ECL के घरों में जो लोग रहते हैं उनको जब हम पानी का कनेक्शन देने जा रहे हैं तो बार बार ECL के द्वारा बाधा दिया जा रहा है। उनके खिलाफ में हमें ये बार बार चिट्ठी देकर कहा जा रहा है कि आप इनको घर में पानी ना दें। एक आदमी ECL के घर में है या अपने घर में है ये दूसरा विषय है, लेकिन एक व्यक्ति को पानी से कैसे वंचित किया जा सकता है? ये गंदी काम कर रही है ECL प्रबंधन, ये बहुत गलत काम कर रहा है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ECL प्रबंधन चाहे कुछ भी करे, जब तक लोग उन घरों में हैं तब तक उन्हें पीने का पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। यही आप लोगों के माध्यम से बताने के लिए हम लोगों ने इस प्रेस मीट का आयोजन किया। दोनों कॉपी दे रहे हैं। अपना जानें जे कुल्टी दीर्घ दिने जो दाबी छो कुल्टी मानुष के पानी जल पहुँचे देवार जो दाबी छो राज्य माननीय मुख्यमंत्री निर्देशे से काज हमें करछिलाम एवं जखन ये काज चलछिल तखन बार बार ECL অথরিটি কেন্দ্রীয় সরকারের ECL অথরিটি তারা বারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা সেই কাজটি কমপ্লিট করেছি এবং এখন যখন মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে তখন ECL বারবার তার আমাদের এই কাজে বাধা দিচ্ছে, আমাদেরকে চিঠি করে বলছে ওই লোকদেরকে যেন জল না দেওয়া হয়, তারা বেআইনিভাবে ঘরে আছে। কে আইনিভাবে আছে কে বেআইনিভাবে আছে সেটা ECL বুঝুক, কিন্তু মানুষ ওই ঘরে বসবাস করবে আর তাদেরকে আমরা পানীয় জল দিতে পারবো না এটা আমরা কোনো মতে মেনে নেব না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আইনি বেআইনি সেটা ECL বুঝুক, প্রশাসনের সঙ্গে আলাদা আলোচনা করুক, কোর্ট কাছারি যা করা করুক ওটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু একটা বাড়িতে একটা লোক যদি বসবাস করে আমরা ফিজিক্যালি দেখি যে একটা লোক থাকছে তাকে পানীয় জল আমরা দেবো, পানীয় জল দিয়ে কোনো মতে বঞ্চিত করবো না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এই যে ঘৃণিত কাজ, এই যে ECL এই যে কাজ করছে এটা থেকে যেন ECL বিরত থাকে এবং আমাদের কাজে যেন বাধা না দেয় এটা আমরা পরিষ্কার করে বলতে।